सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क गोस्ट वर्ल्ड का। तो गाइस, आर्क गोस्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ना गाइस, हम लोग ने काफी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस वाली एक बॉस बैटल ली थी। और गाइस, आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले, पता है क्या गाइस? आपको बताऊंगा कि हमारे बेस के नीचे जो ना गाइस, एक वुल्फ आया हुआ है और उसके जो अनलिमिटेड वुल्फ स्पॉन होते हैं ना मिनियन, उनको मारने से पिछली बार हमको यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिली थी ना अलग अलग। आप कभी क्या 900 एलिमेंट मिल गए मेरे को? अबे बार मतलब वो छुटकू जो मिनियन है गाइस वहां पे, वो छुटकू मिनियन, उनको मारने से मेरे को ये सारी चीजें मिल तो रही है, ठीक है। हाँ, ये चीजें मिल रही, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन इनके साथ साथ मेरे को एलिमेंट भी मिल रहे हैं, 900 एलिमेंट हो चुके हैं यार मेरे पास। मैं एलिमेंट वाली काफी खतरनाक वाली चीज, मैं ट्रांसमीटर बना सकता हूँ गाइस अभी यहाँ पे। मजाक कर रहे हो क्या गाइस? आज तो भाई उस उल्फ आर्मी को पेलम पाल दे दे के भाई अनलिमिटेड रिसोर्स में इकट्ठा करूंगा, अनलिमिटेड रिसोर्स। भाई मजाक कर रहे हो क्या गाइस? भाई आज खतरनाक से फाइट होने वाली उस उल्फ के साथ भाई, ठीक है। तो गाइस, आज का एपिसोड जो है ना गाइस, और आज की फाइट शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है यहां पे 2 लाख सब्सक्राइबर का कंप्लीट करने में हेल्प कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की और हमारे व्लॉगिंग चैनल, तो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले गाइस, खतरों से भरा हुआ हमारा जो एडवेंचर है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और गाइस, उल्टू तबाही मचा डालते हैं। और इस वीडियो को गाइस 1K लाइक कायम रख रहे तो फटाक से कर देना भाई, देख रहे हो उड़ उड़ के मार रहा है हमारा शैडो मिन, उड़ उड़ के। मजाक कर रहे हो क्या तुम्हें पांडे जी? हैं, बेल डाल इसको, बेल डाल भाई इसके आगे। और भाई यहाँ पे जो ना गाइस, उनको उन वुल्फ को मारने से हमको सिर्फ नार्कोटिक ही नहीं मिल रहा गाइस, हमको ऐसी चीजें मिल रही है ना गाइस खतरनाक सी, जो आपने कभी देखी भी ना होगी ना सोची होगी। भाई मेरे को गर्मी क्यों हो रही है? वेट अ मिनट, तेरे अंदर कुछ है क्या भाई? सारा सामान भाई फेंक दे यहाँ पे। भाई मेरे पास जो ना गाइस काफी ज्यादा रिसोर्सेज जो ना गाइस आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा वुल्फ को वहाँ पे पेला है ना कि आपको क्या ही बताओ भाई। और यहाँ पे जो ना मेरे को जो आर्मर मिला है ना, रुक जाओ यहाँ पे। ये चड्डी फेंक दे भाई इसका, भाई सबसे ज्यादा भाई खतरनाक वाली जो चड्डी होगी ना, मतलब भाई जो आर्मर 800 आर्मर वाली फिलहाल के लिए पहन ले भाई, 800 आर्मर वाली पहन ले भाई, ये पहनना है भाई, ठीक है भाई। ज्यादा आर्मर जिसका होगा ना गाइस वही मैं पहन लूंगा, 800 आर्मर सबसे, 1000 आर्मर वाली भाई पैंट खतरनाक। हेलमेट दिखा भाई, 800 नहीं भाई, 1000 वाला दे हेलमेट। हेलमेट भाई 800 वाला है मैक्सिमम, 750 वाला है, अरे 1000 वाला है भाई, ये हेलमेट 1000 वाला है, ये पहन ले बेटा। अरे ये कितने वाला है? ये 750 वाला है भाई, 1000 वाला गाइस भाई हेलमेट मिल चुका है गाइस, काफ़ी तगड़ी वाली प्रोटेक्शन मिल रही है गाइस यहाँ पे। चेस्ट पीस कितने वाला है भाई? 1000 इसका मैक्स टू मैक्स है गाइस, मैक्स टू मैक्स है गाइस 750। ये 850 का है एंड ये भाई 904 का भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो ना गाइस यहाँ पे अपन को प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो ना गाइस पहन के मिलने वाला है गाइस, ठीक है, काफ़ी तगड़ा वाला प्रोटेक्शन। आई थिंक 800 वाला जो है ना गाइस मेरे को पहन लेना चाहिए भाई, ठीक है 900 वाला पहन लेता हूँ, चलो आ जाओ। एंड इससे क्या होता है, माइनस क्या ही है? हाइपर थर्मिक इंसुलेशन, मतलब मेरे को ये हीट कर रहा है क्या आर्मर? क्या मेरा आर्मर जो है वो मेरे को हीट करने का काम कर रहा है? जूता कितने वाला पहना था? जूता तो 1000 भाई यहाँ पे जो ना गाइस वो देने वाला पहना था मैंने, प्रोटेक्शन वाला गाइस। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपी वाला जूता कौन सा है भाई? आई थिंक मैंने पहन लिया भाई, हाथ भाई हाथ, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, 800 वाले हाथ है, हाथ ज़्यादा कुछ मिले नहीं भाई, ये 1000 वाला हाथ पहन लेता हूँ, खतरनाक भाई गाइज, एकदम गॉड लेवल आर्मर अपन ने पहन लिया। एंड रुक जाओ, मेरे को एक चीज़ करनी पड़ेगी, बताया क्या मेरे को? बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मेरे पास जो ना किसी भी बॉक्सेस कम पड़ने वाले, क्योंकि अभी जो चीज़ अपन करने के लिए जाने वाले हैं ना गाइज, वो चीज़ में हमको इतना ज़्यादा सामान मिलेगा, आपने कभी सोची ना होगी गाइज। और मेरे पास अभी जो भी भाई फालतू का चीज़ है भाई, फालतू का मतलब जो मैं यूज नहीं कर रहा ना, वो चीज़ मैं इन बक्सों में जो ना कैसे भर के रख रहा हूँ, सिंपल इज दैट ब्रो। ये ले बेटा यहाँ पे लगा डाल बेटा, ठीक है रुक जाओ। अभी जो ना गाइज केरेटिन छोड़ के सारा का सारा सामान जो ना गाइज वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जो मेरे किसी भी काम का नहीं है अभी के लिए भाई, ठीक है मीड भीड, ठीक है ये भी डाल दे। ओ ये काम का है भाई, इससे मैं वो चीज़ें निकाल सकता हूँ ना गाइज, ये फेंक देता। एंड भाई यहाँ पे आर्मर तो नहीं हुआ भाई इसको, एक मिनट मेरे को वो भी मिले क्या? मेरे को सीट्स मिल गए भाई, 2 सीट मिले वापस से। वैसे ये करते क्या है ये जो गाइस पौधे ना गाइस, ये क्या करते हैं ये मेरे को पता नहीं यार अभी तक।
रुक जाओ सबसे पहले भाई सारा सामान जो ना यहाँ पे ट्रांसफर करने दो गाइज। ऐसे ऐसे नारकोटिक मेरे को यहाँ पे मिले ना गाइज, ऐसे ऐसे नारकोटिक और ट्रैंकारो मिले ना गाइज जो मैंने जिंदगी में यहाँ पे नहीं देखे थे गाइज। ठीक है, ये नारकोटिक और ट्रैंकारो जो ना गाइज फ्यूचर में जाके हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले, इसलिए जो ना कि जिनको मैं संभाल के थोड़ा सा रखूंगा यहाँ पे। ठीक है चलो भाई लेट्स गो, अभी फुल्टू दवाई मचाने का टाइम आ चुका है। बट ये जो सूट मैंने पहना है ना गाइज ये मेरे को हीट करने का काम कर रहा है एक्चुअली। मैं ये सूट जो है ना गाइज मेरे को मे बी गाइज यहाँ पे जो ना आइस वाले बायोम में जो भाई फर वाला सूट होता है ना गाइज उसकी तरह ये काम कर रहा है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, बताओ क्यों गाइज अपने पास इतने ज़्यादा एलिमेंट आने वाले ना कि अपन एलिमेंट वाला सूट बनाएंगे अगले एपिसोड में भाई। ठीक है डरते ही क्या जाओ, बस मेन जो भाई यहाँ पे वुल्फ उसको नहीं मारना है भाई। ठीक है कुछ भी करना है लेकिन मेन वुल्फ को नहीं मारना, जो मिनियन है उनको मारना है भाई। ठीक है हाँ मिनियंस आ जाओ, मिनियंस इधर आओ, मेन वुल्फ आया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, मेन वुल पाए तो दिक्कत हो जाएगी। मिनियन जब तक आ रहे तब तक कोई सीन नहीं है, वो मेन वुल पे आई थिंक सबसे बड़ा वाला है ना गाइस वहाँ पे। अबे भगना भेज के आ गए ले बेटा, बेल डाल खोपड़ी तोड़ भेज के आ सबका, खोपड़ी तोड़ रुक जाओ। ये भाई मैं ये कर देता बंद, आंदो डरते क्या बेल डालेंगे भाई। मैं और ज़्यादा जो है ना अंदर वहाँ पे नहीं जाना चाहता। ये आई थिंक मेन वुल पे, मेन वाला मेरे को दिखाई दे गया भाई, हो रहा गाइस मेन वाला। मैं मेन वाले से अभी पंगा नहीं लेना चाहता, मेन वाला मेरे पीछे आ रहा है क्या? आई थिंक मेन वाला पीछे आ रहा है, अगर मेन वाला पीछे आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बताए भग जाए यहाँ पे, मेन वाले से पंगा नहीं लेना अपन को मेन वाले से पंगा नहीं लेना गाइस। ठीक है मेरे को मेन वाला जो वुल्फ है ना बड़ा वाला उससे पंगा नहीं लेना, हो रहा बड़ा वाला वुल्फ। ठीक है चला जा, भग जा गाइस संभल के थोड़ा, अगर मेन वाला मर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेन वाला पीछा कर रहा है यार अपना। ठीक है रुक जाओ यहाँ पे भाई, जो सारे के सारे पे भसड़ मची है ना गाइस उसमें से अपन उनको मारने का काम करते हैं। छोटे छुटकू जो भाई इसके छुटकू मिनियन है ना गाइस उनको, मेन वाला नहीं आया ना आई थिंक, नहीं आया आई डोंट नो। मर जाओ भाई, इसके क्या हुआ? अबे यार गेम लैग हो गया था भाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट्री में ऐड हो गई ना पूरा गेम ही लैग हो गया गाइस। ठीक है यार इसमें मेन वाला कौन सा, अभी ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं थोड़ा सा जो है ना गाइस अपना स्पाइकला चालू कर लेता हूँ, ये तो मिनियन ही लग रहे हैं मेरे को। इनको मैं हार्वेस्ट नहीं कर रहा भाई। ठीक है हार्वेस्ट करने से बस मेरे को वही चीज़ें मिल रही है भाई, ये देख रहा हूँ यही चीज़ें मिल रही है मेरे को। मेन वाले भाई वुल्फ से जो ना भाई बचाते ही इनको मारना है। ये आई थिंक मैंने, हाँ ये वाला मैंने, मतलब ये सारे इधर जो है ना गाइस इसके मिनियन है भाई, सबको फेल सकता हूँ मैं, सबको फेल सकता हूँ। रुक जाओ भाई इसके, तुम्हारे रुक जाओ, संभाल के भाई गेम थोड़ा सा हकम लैग मार रहा है भाई। ठीक है संभल के बेटा नाइस वन, काफ़ी खतरनाक फेल डाल भाई, ये मेन वाला आ गया भाई खतरनाक भाई। अभी अब मैं देखना चाहूँगा पहले कि मेरे पास जो ना गाइस कितना ज़्यादा सामान जो ना गाइस वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस वुल्फ्स को मैंने वहाँ पे पेलम पाल दिया है भाई। ठीक है थोड़ा सा कोपचे में आते हैं, दिखा दे बेटा, ये नहीं दिखा मेरे को, ये वाली चीज़ दिखा। हो भाई खतरनाक ट्रैंक करो भाई, एलिमेंट वापस से 900 आ चुके हैं मेरे पास गाइज मेरे को एक बार देखने दो कि वो एलिमेंट वाला जो सूट है ना गाइज, इस मॉड का जो एलिमेंट वाला सूट है वो बनाने के लिए क्या चाहिए। अभी थोड़ा सा अमीर इंटू 100 आ चुके हैं अपने पास गाइज। ठीक है अमीर इंटू 100 और यहाँ पे डैमेज तो तगड़ा वाला दिया यार, डैमेज तो तगड़ा वाला दिया है भाई, केरेटिन मिल चुके हैं भाई इससे जो ना गाइज। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइज अपना क्या बोलते हैं सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डाल सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सीमेंटिंग पेज जो ना गाइस वो बन सकता है यहाँ पे। मैं फटाक से जो ना गाइस यहाँ पे आर्मर तो मेरे को नहीं चाहिए होगा यार, अभी मेरे हिसाब से आर्मर नहीं चाहिए होगा क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला आर्मर तो मेरे पास पहले से ही हो चुका है, तो ये आर्मर तो मेरे को नहीं चाहिए। प्लस मैं टेक वाला भाई ये बना रहा हूँ ना, रुक जाओ टेक वाला बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, आर्मर टेक क्यूब वॉल्करिन एनर्जी क्यूब ब्लैक पल मिल जाएगी बेटा, एनर्जी क्यूब चाहिए, एनर्जी इसियंस मेरे पास है भाई, एंड टेक लेगिन चाहिए तेरे को टेक वाला ये सूट बनाने के लिए। अभी टेक लेगिन के लिए रेप्लिकेटर में बना सकता हूँ लेकिन एनर्जी क्यूब भाई रुक जाओ, एनर्जी क्यूब मिल रहा है क्या मेरे को, क्यूब बना सकता हूँ क्या, आई डोंट नो भाई। एक अजीबो गरीब जो है ना गाइस यहाँ पे ये देख रहा हूँ एनर्जी क्यूब इकिन भाई कुछ ये कहीं पे बनता है क्या, ए न रुक जाओ इकिन नहीं भाई रुक जाओ, एनर्जी क्यूब भी बनता है क्या, क्यूब बनेगा क्या आई थिंक, रुक जाओ क्यूब नहीं यार ये कहीं पे नहीं बनता,
ये अपन को ढूंढना पड़ेगा गाइज, अपन टेक वाला आर्मर जो है ना गाइज अभी के लिए शायद नहीं बना पाएंगे गाइज, ठीक है, लेकिन हम टेक वाली कुछ और चीजें बना सकते हैं मे बी। टेक वाला भाई मैं अरे अरे मजा कर रहा है क्या? पॉलीमर एंड ये कलर कलरिंग है मेरे पास, कलर सुन है ना मेरे पास, कलर सुन मेरे को मिले थे भाई, रुक जाऊँ भाई, कलरिंग वाला सीन मेरे को मिल गया था भाई। ये कितना हिट कर रहा है यार आर्मर, गाइज मैं निकाल रहा हूँ गाइज, गाइज रुक जाऊँ यार, मर काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है यार, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना गाइज इस आर्मर में, आपको क्या बताऊँ गाइज, मैं इसको निकाल रहा हूँ, रुको मैं इसको पहन के जो ना गाइज यहाँ पे रह नहीं सकता मैं, फुल टू जो ना गाइज हीट कर रहा है ये, जब अपन को कहीं पे फाइट बीट करनी होगी ना तब अपन ये आर्मर पहन लेंगे, वरना ये आर्मर जो ना गाइज अपन पहनने नहीं वाले गाइज, ये जो ना गाइज काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है भाई मेरे को, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, इसको जो ना गाइज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कहीं पे बॉस फाइट भी स्पॉट करने के लिए जाना होगा ना तब मैं भाई ये अपना स्पेशल वाला आर्मर जो ना गाइज वो पहन लूँगा भाई, ठीक है चलो आ जाओ। मेरे को कलरफुल वाले जो ना गाइज वो इसेंस भाई यहाँ पे कहीं पे मिले थे भाई, रेनबो वाले, अबे रेनबो वाले मिले थे ना मेरे को, अरे भाई क्या रेनबो वाले की तरह डाल दिए मैंने, मेरे को इतना पता है कि मेरे को ये रेनबो कलरफुल जो है ना गाइज वो मिल गए थे कहीं पे, तो डाल दिए मैंने यार, और रेनबो बना सकता हूँ, अरे रेनबो यहाँ पे बनेगा ना यार, 100 बन जाएगा क्या? इसके लिए पास मेरे पास ऑर्गेनिक स्टोन एबियस एंशेंट विंशेंट का चाहिए यार, इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के जो ना गाइज स्टोन चाहिए, और ये जो ना गाइज रेनबो वाला भी मेरे पास नहीं है गाइज, यार मेरे को कुछ तो बनाना यार टेक का आज, ये क्या है टैप पे जरा टेक सैडल, सैडल नहीं चाहिए यार, कुछ तो देते वो भी बन जाती तो काम बन जाता यार, लेकिन इसके लिए तो भाई ये कलरफुल कुछ ईटीआर बीटीआर मांग रहा है, चीप है वॉलक्रीन ड्रिक्स भाई सैडल यार, ठीक है भाई मत दो मेरे को कुछ भाई, मत दो कुछ, रुक जाओ मैं टेक वाली भाई नॉर्मल बो बना सकता क्या, ये नॉर्मल टेक वाली बो बन जाएगी क्या अपने इसमें, वो जो होते हैं ना कहीं नॉर्मल वाली जो पट्ट से अपन मार सकते हैं भाई, कहाँ पर चलेगी वो जेनेसिस 2 वाली बो अगर बन सकते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा यार, लेकिन वो यहाँ पे दिख ही नहीं रही अनलॉक्ड वाली, हाँ ये तो ये मेरे रेप्लिकेटर में बन जाएगी ना गाइज, रुक जाओ भाई, अरे यार ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए मेरे को फैब्रिकेटर बनाना पड़ेगा भाई, सबसे पहले फैब्रिकेटर, उसके लिए स्पार्क पाउडर और ऑयल चाहिए होगा, स्पार्क पाउडर तो मेरे पास ये ले बेटा, ऑयल तो बेटा ये ले बेटा, चल भाई डन बना दे भाई, ठीक है इसके अंदर मैं जो ना रेप्लिकेटर बनाऊंगा, रेप्लिकेटर के अंदर जो ना गाइस वो बो बना देता हूँ भाई, ठीक है आज बस इतू से भाई, इनको नहीं मार के अपन काम चला लेंगे, क्या बोलते उनको अबे यार जिनको वुल्फ को मार के जो ना गाइस अपना यहाँ पे एंड नहीं होगा भाई, अपन कुछ खतरनाक सी चीज़ बना के रहेंगे, गैसोलिन बनाने के लिए डाला था मैंने, मेरे को नहीं लग रहा कि मैंने गैसोलिन बनाने के लिए डाला था यार यहाँ पे, लेकिन गैसोलिन तो बड़े आराम से बन जाएगा यार, एक ऑयल ले ले भाई, 100 ऑयल दे दे, उसके बाद भाई हाइड तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हाइड एंड भाई वो गैसोलिन यहाँ पे ऑयल यहाँ पे डाल दूंगा, अपना काम 25 हो जाएगा भाई, ले बेटा हाइड ला 10,000, ये भाई 2,500 इसके अंदर डाल दूंगा, ले बेटा भाई ऑयल ख़त्म, काम 25 है मेरे पास, अच्छी टेंशन नहीं गाइज, ये लो भाई ऑयल बनने का काम जो ना गाइज, ऑयल नहीं सॉरी गैसोलिन बनने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, एंड भाई यहाँ पे जो ना गाइस बारिश भी आ चुकी है, चलो एक काम कर लेते हैं, बारिश जाने दो तब तक अपना गैसोलीन बन जाएगा, उसके बाद भाई अपन जो ना गाइस रेप्लिकेटर बनाएंगे, रेप्लिकेटर बनाने के बाद यहाँ पे जो ना गाइस हम उसके अंदर टेक वाली बो बनाएंगे, एंड तभी अपना जो ना गाइस ये एपिसोड एंड होगा भाई, टेक वाली बो जो ना गाइस लिए बिना मैं नहीं जाने वाला गाइस, ठीक है रुको गाइस, बन गया क्या मेरे बच्ची गैसोलीन तो बन गया होगा क्योंकि बारिश तो जा चुकी है भाई, और सारा का सारा जो गैसोलीन मैंने डाला था ना गाइज वो यहाँ पे बन चुका है, अभी फटाक से रेप्लिकेटर बनाओ भाई, एलिमेंट की कमी नहीं रे बाबा, रेप्लिकेटर बना बेटा, मेटल इनगट आओ, ब्लैक पल आओ, पॉलीमर आओ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक सी चीज़ें गाइज जिसके लिए चाहिए यार, सारी चीज़ें तो मेरे पास नहीं है भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई बूट्स फ्लेक भाई, फ्लेक का सारा सामान फेंक दे भाई, भाई फ्लेक का जो भी सामान है ना मेरे पास वो किसी काम का नहीं है गाइस, ठीक है ये सारा सामान फेंक देता हूँ, एंड ये क्या है भाई हैचेट, क्या कॉपर एंड गोल्ड भाई, कॉपर हाँ कॉपर की सबसे पहले ये हैचेट फेंक दे भाई, इसका ब्लूप्रिंट एक रख देता हूँ गाइस, बाकी एक ये हैचेट रख दूंगा भाई, ठीक है बाकी जो ना गाइस, और उसके बाद प्लैटिनम ना प्लैटिनम है क्या पता नहीं भाई, और कौन सी हैचेट थी यहाँ पे, ये वाली थी भाई, ये कौन सी है भाई टाइटेनियम ना टाइटेनियम भाई, ठीक है बेटा चलिए ये सारे अच्छे डिश के अंदर डाल देता भाई खत्म, चलो भाई अभी जो ना गाइस मेरे को ऑर्गेनिक पॉलीमर लेने जाना पड़ेगा यार, और ऑर्गेनिक पॉलीमर लेने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा यार, इतने इजीली मेरे को ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है ना गाइस वो यहाँ पे मिलने नहीं वाला यार, क्या करूँ भाई समझ में नहीं आ रहा, जाओ क्या गाइस ऑर्गेनिक पॉलीमर लेने के लिए या फिर कोई और चीज़ भाई यहाँ पे जुगाड़ करो अपन,
चलो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या पता रास्ते में आप उनको कोई खतरनाक डोपी सी चीज मिल जाए। भाई आ जाओ, लेट्स गो भाई। ऑर्गेनिक पॉलीमर जो ना गाइस वो लेके आते फटाक से। एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर आने के बाद भी यहाँ पे दिक्कत एक रहेगी, बताया क्या गाइस? यहाँ पे जो ना गाइस एक काम कर लेता, रुक 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 रुक, मेरे को जो ना काफी ज्यादा मेटल भी चाहिए होगा गाइस, मेरे को जो ना गाइस काफी ज्यादा मेटल भी चाहिए होगा। ये ले बेटा, मैं आते हुए जो ना गाइस थोड़ा सा मेटल भी लेके आऊंगा। चलो आ जाओ भाई, वॉल्केनिक बाम में चलते, वहां से जो ना ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आएंगे, लेट्स गो। वाह भाई वाह, स्पिरिट वाला आना कोंडा, कैसन वा मेरे बच्ची, कैसन वा मार का ना, चल दे क्या लाड़ना आ रहा था भाई, पेलम पाल दे दिया भाई। चलो आ जाओ, ए भाई ऑर्गेनिक पॉलीमर, अरे भाई ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं है क्या यहाँ पे? भाई इतनी दूर आ गया भाई मैं मैंटिस को मारने के लिए, भाई मेरे को एक भी मैंटिस दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे यार। भाई हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? भाई एक भी मैंटिस दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये रे भाई ये रहे, इधर खोपचे में छुपे हुए थे गाइस। चलो आ जाओ, लेट्स गो, इन मैंटिस को मार देंगे ना तो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर जो ना मिल जाएगा भाई। हेलो सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू ए बेटा, बाय 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 बाय। दे बेटा भर भर के ऑर्गेनिक पॉलीमर मांगता ना मेरे भाई, मेरे को भर भर के भाई। मर गए क्या सारे मैंटिस? शायद मैंने इस एरिया के, अरे भाई और मैंटिस आ रहे, भाई और मैंटिस आ रहे, रुक जाओ। ओके भाई, अरे यार मेरे पास इतना ज्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं हुआ यार, मेरे को और ज्यादा चाहिए होगा। मेरे को जो ना गाइस काफी ज्यादा मैंटिस जो ना गाइस उनकी यहाँ पे पेटी बनानी पड़ेगी, काफी ज्यादा मैंटिस जो ना गाइस उनकी पेटी बनानी पड़ेगी। मेरे पास जो ना गाइस और क्या है, चिटिन में ले सकता हूँ, चिटिन मैं चिटिन जो ना गाइस वो ले लेता एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर लेता, बाकी सारी चीजें जो ना गाइस वो फेंक देता, बाकी सारी चीजें जो ना गाइस मैं यहाँ पे बड़े आराम से जो ना गाइस। हाँ ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है क्या भाई? पता नहीं क्या है भाई, ठीक है चलो आ जाओ, अभी सारी सारी चीजें जो ना गाइस अपन फेंक दे। और भाई किसको उंगली मच रही है भाई? ओके मर गया ये तो, आ जाओ चलो। एंड अभी यहाँ पे जो ना मैंटिस ढूंढ के और भी ज्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर जो ना गाइस उसका जुगाड़ में कर लेता भाई, ठीक है। एंड उसके बाद अपन घर पे निकल जाएंगे। बाय 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 सर, हैव अ ग्रेट टाइम, लेट्स गो। और कोई मैंटिस और है क्या? कोई मैंटिस यहाँ पे? और कोई मैंटिस तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा गाइस यहाँ पे। हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, पेल दे इसको भी भाई, इसको भी पेल दे भाई। आज जो ना गाइस, अबे एक को मारा दूसरा स्पॉन हो गया डायरेक्टली, खतरनाक भाई। चलो आ जाओ, लेट्स गो गाइस। आज जो ना गाइस मेरे को नहीं लग रहा कि हम जो टेक वाली बो है ना गाइस वो बना पाएंगे, बताए क्यों? क्योंकि टेक वाली बो जो ना गाइस उसको बनाने के लिए हमको काफी ज्यादा मेटल जो ना गाइस उसकी भी जरूरत पड़ेगी यार, और मेटल जो ना गाइस वो पिघलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरे को लग रहा है अगले एपिसोड में जो ना गाइस अपन ये काम कर पाएंगे। आ जाओ, अब एक काम कर लेते, टेलीपोर्ट नहीं मार सकता मैं, रस्ते में जाते हुए मेटल लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है। मेरे को जो ना गाइस, हाँ भाई ये सारी की सारी चीजें देते भाई, मिड जो ना गाइस वो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, एंड बाकी के जो भाई मेटल के भाई सारे के सारे ये फालतू के सामान है ना वो ड्रॉप कर लेता भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, लेट्स गो। रास्ते से जाते हुए जो ना भाई भर भर के आप मीट अपन उठा लेंगे, मीट नहीं सॉरी मेटल अपन उठा लेंगे गाइज। यार इन्वेंट्री फुल हो गई, वेट अ मिनट, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही जो ना गाइज यहाँ पे ये उठा लिया। ये क्या चीज है? विल स्लोली प्रोड्यूस द ब्लैक पर्ल इन द, ओ भाई अरे 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 अरे, एक मिनट, विल स्लोली प्रोड्यूस ब्लैक पर्ल एंड एलिमेंट बफ ऑटो अट्रैक्ट वाइल्ड करप्ट डायनोस ओवर टाइम, वाइल्ड स्टेगो बॉसेस कैन बी क्राफ्टेड इन द पैक पैक अट्रैक्टिंग इपोक जेरोवा कैन बी टर्न ऑन द मैनुअली। ओके ठीक है, ओके ये आई थिंक कोई तो बॉस बनाने वाली चीज है गाइज, कुछ ज्यादा खतरनाक सी चीज मिली है। ये चीज क्या है वो भी अपन बाद में देख लेंगे। चलो आ जाओ, अभी फिलहाल के लिए मेरे को मेटल चाहिए। मैं जो ना गाइस अपना सारा सामान जो ना गाइस अपने भाई थाइलो के अंदर अभी ट्रांसफर मार देता, एंड जो ना गाइस अपन जाके भर भर के मेटल यहाँ पे उठा लेंगे भाई, ठीक है चलो लेट्स गो। हाँ भाई यार गाँव बसानी भेज क्या, ले बेटा आ गए भाई यहाँ पे भाई सामान चुराने के लिए, आ जाओ लेट्स गो भाई। भाई मेरे को चाहिए मेटल, हमको चाहिए भर भर की मेटल बेटा, भर भर के मेटल भाई, क्योंकि मेरे को जो ना कैसे यहाँ पे 20,000 से 30,000 तो मेटल कम से कम चाहिए होगा यार। अबे यार ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या यार बिटवा? हाँ बिटवा, अरे बिटवा ऊपर नहीं चढ़ सकता यार। यहाँ पे मेटल के जो ना गाइस काफी ज्यादा पत्थर इस वाले एरिया में मिल जाएंगे भाई, रुक जाओ। पहले ऊपर वाले जो पत्थर है ना गाइस वो तोड़ूंगा, उसके बाद नीचे वाले जो पत्थर है ना गाइस वो तोड़ लेंगे अपन भाई, ठीक है। यहाँ से जो ना गाइस हमको काफी ज्यादा मेटल जो ना गाइस वो मिल जाएगा, आराम आराम से चढ़ बेटा। अबे यार ऊपर चढ़ना है यार, ऊपर नहीं चढ़ रहा क्या, ऊपर नहीं चढ़ रहा क्या? ठीक है भाई, ये नीचे वाला मेटल है वही तोड़ देता भाई मैं। चलो आ जाओ, इसमें भी भाई 10,000, 14,000, 20,000 भाई काफी ज्यादा मेटल मिल रहा है मेरे को, इसको भी तोड़ दे भाई। ओके स्टोन स्टोन जो ना गाइस वो फेंक देंगे, मेटल मेटल जो ना गाइस वो रख देंगे फिर, ठीक है। आई थिंक सब तोड़ दिया क्या, शायद सब तोड़ दिया भाई, सब तोड़ दिया क्या मेटल? ऊपर ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है भाई। चलो आ जाओ गाइस, मेटल जो ना गाइस वो भी अपने पास आई थिंक काफी ज्यादा आ चुका है अभी डायरेक्टली। नहीं आगे मेरे को और थोड़ा मेटल दिखाई दे रहा है गाइस,
देख रहा हूँ ये सारा मेटल जो ना गाइस वो तोड़ लेते। अरे बाप रे यहाँ पे तो मेटल का ऐसा मतलब क्या ही बोले भाई। रुक जाओ मेरे को जो ना गाइस स्टोन भाई सारा का सारा फेंकने दो यार। लेकिन मेरी इन्वेंटरी हैवी हो रही है गाइस, इतना सा मेटल उठा के जो ना गाइस मेरी इन्वेंटरी एकदम सॉलिड वाली हैवी हो रही है। ठीक है तोड़ डाल बेटा, रुक जाओ सारा का सारा मेटल जो ना गाइस वो तोड़ दूंगा मैं। ले बेटा गाइज मैं जो है ना गाइज इतना ज्यादा मेटल मैंने उठा लिया ना कि मैं ओवरवेट हो चुका हूँ। अभी अपन जो ना गाइज चुपचाप यहाँ पे अपने घर पे जो ना गाइज टेलीपोर्ट मार लेते हैं। एंड जो मेटल है ना गाइज जो अपने न्यूक्लियर फोर्ज है ना गाइज उसके अंदर जो है ना गाइज मैं यहाँ पे पकाने के लिए डाल दूंगा। देखता हूँ कि न्यूक्लियर जो अपनी फोर्ज है ना गाइज जो न्यूक्लियर एनर्जी पे चलती है भाई उसके अंदर जो ना गाइज अपना मेटल जल्दी जल्दी कुक होता है कि नहीं भाई। ठीक है ये रही अपनी न्यूक्लियर फोर्ज एंड इसके अंदर डाल दे भाई मेटल। पकेगा क्या बेटा? केगा कि नहीं पता नहीं भाई, लेकिन इसको चलाने के लिए तो क्रिस्टल चाहिए होगा। क्रिस्टल तो अपने पास भर भर के 200 भाई पुल कर ले फिलहाल के लिए। शैडो मिन के अंदर 200 है ना भाई। ठीक है ले, क्या बोलती पब्लिक होगा क्या न्यूक्लियर फोर्ज के अंदर? यार न्यूक्लियर फोर्ज क्या है? क्या न्यूक्लियर फोर्ज भाई? इसके अंदर तो भाई मेटल पिघल ही नहीं सकता भाई, ये तो फुड्डू काट दीज। चलो आ जाओ भाई अपन जो ना गाइस यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जो ना गाइस मेटल पिघलाने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर देते हैं। हमको जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ना गाइस यहाँ पे मेटल चाहिए होगा, तो यहाँ पे जो ना गाइस भर भर के मेटल मेटल जो ना गाइस वो पिघलाने के लिए मैं डाल देता हूँ। एंड थोड़ा सा जो ना गाइस मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे वुड गाइस, जो कि सारे जो ना गाइस इन फोर्ज के अंदर मैं डाल दूंगा भाई। ठीक है अपग्रेड स्टेशन के अंदर उठा लेता हूँ एंड स्प्लिट कर करके जो ना गाइस यहाँ पे डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे आज का जो एपिसोड है ना गाइस वो फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म कर लेते हैं। गाइस आपसे मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में जो हमारी टेक वाली चीजें ना गाइस वो बनाएंगे, वो टेक वाली चीजें जो ना गाइस पेन के डायरेक्टली अपन वो भाई बॉसेस बिजनेस के भाई सामने जाके जो ना गाइस उनसे फाइट ले लेंगे भाई। ठीक है तो अगला एपिसोड काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा ओपी ओपी वाली टेक वाली चीजें जो ना गाइस हम अगले एपिसोड में बनाने वाले, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना भाई अगला एपिसोड। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आज का एपिसोड और वुल्फ गैंग के साथ जो हमारी फाइट हुई वो आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.